अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईशान किशन के पिता ने आज जदयू का हाथ थाम लिया। सदस्यता दिलाने के बाद संजय झा ने कहा, आज ईशान किशन के पिता प्रणब पांडे जी हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास, पुराने संता दल के समय से वह जुड़े थे, वह बीजी हो गए थे लेकिन अब वह फ्री है। इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी, खास करके मगध क्षेत्र में। उन्होंने कहा, ईशान किशन एक बड़े क्रिकेटर हैं और इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आने से मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि अगर बिहार में कोई दंगा फसाद होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी वजह होंगे। संजय झा ने कहा, मुख्यमंत्री जी के शासन का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 19 साल में एक बार भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा, साधारण बात नहीं है। और दंगा फसाद बिहार में नीतीश कुमार के रहते कभी नहीं हो सकता। उनका जवाब देना चाहिए कि जो दंगा फसाद करने वाले लोग थे, जिनका वोट लेते हैं, 89 में भागलपुर दंगा हुआ, इनके दंगाइयों को क्यों सम्मानित करते रहे, क्यों सजा नहीं दिलवाए, क्यों इंतज़ार उनको करवाना पड़ा। नीतीश कुमार के सरकार में उनको सजा मिलने, जो विक्टिम थे उनको मुआवजा मिला। 28 तारीख यानी कि कल एनडीए के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सीएम आवास पर खड़ी बैठक होनी है। इस पर संजय झा ने कहा कि जो एनडीए के सारे लोग हैं, भाजपा जदयू के जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश से और 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर के बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस पर संजय झा ने कहा, सारा सीट हम लोग जीत रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी, हम लोग के पार्टी के नेता संजय गांधी जी, ललन सराफ साहब, नवीन आर्या जी और आज जो ज्वाइन कर रहे हैं प्रणब पांडे जी, संक्षिप्त में बोले लेकिन पार्टी छोड़कर कहीं गए नहीं थे, तो पार्टी में गए नहीं थे, पार्टी में एक्टिव थे लेकिन फिर बाद में अपना रोजगार और बेटा को बनाना था क्रिकेटर, इस काम में बिजी थे। जब इस सब से मुक्त हो गए, पिछले 2 महीना से हमसे बात कर रहे थे कि अब हम फ्री हैं, जिस पार्टी को खड़ा करने में शुरुआती दौर में हम लोगों ने रोल प्ले किया, मैं पार्टी को समय देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं ईशान किशन इनके पुत्र जो हैं वो इंडिया के लिए खेलते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, किया है 2020 खेलते हैं, इतना ज़बरदस्त शॉट लगाते हैं और ये पटना में अपना कारोबार करके बेटे को इस मुकाम तक पहुँचा है। और मेरे लिए भी ये था, न्यूज ही था जब ये बताए कि नवादा में शुरुआती दौर में ये वहाँ युवा के अध्यक्ष समता पार्टी कार्यकारी थे, आपके परिवार के लोग भी पूरी तरह जुड़े हुए थे, शायद आपके कोई अंकल आए हुए हैं, तो सारे इनके परिवार के लोग शुरुआती दौर में जब समता पार्टी बनी तो पार्टी से जुड़े रहे। हम लोग आज प्रणब पांडे जी का स्वागत करते हैं पार्टी में, और जो 2025 का आगाज है, कल तो हम लोग का एनडीए का मीटिंग भी है, बड़ी मीटिंग यहाँ है, तो उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से खास करके मगध में, पटना में, इन सब क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आने वाले टाइम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सही बता रहे थे, तो ज्वाइनिंग का तो 25 आया भी नहीं लेकिन मोमेंटम बनना शुरू हो गया, ज्वाइनिंग का सिलसिला तो वो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव में जो अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, जो फीडबैक आ रहा है, चारों चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, छोटे मार्जिन से नहीं जीत रहे। अब लोगों को पता है कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में कब विकास पर है ना, वोट मांग रहे हैं, काम होना है और उसके लिए एनडीए जरूरी है। उस एक तरफा चुनाव है, कल एनडीए की एक विस्तृत मीटिंग पटना में है अन्य मार्ग में, और उसमें हमारे एनडीए के जितने सांसद हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं और जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के भी कुछ इम्पोर्टेंट नेता हैं, वो सब की मीटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल वो मीटिंग है, सारे लोग रहेंगे और सबका एक ही है कि आगे जो आने वाला चुनाव है उसके लिए एनडीए एकजुटता का अपना कल से एक अभियान ही समझ शुरू हो गया। हमारे यहाँ दल बदल नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं थे, किसी
पार्टी से जुड़े हुए थे आज फॉर्मली आए हैं, क्योंकि अपने काम में लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में निश्चित रूप से आप लोग खुद देख रहे हैं कि पार्टी का आधार कितना बढ़ा है और कितने लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो रहेगा ही, तो शुरुआत है इसमें। और मैंने कहा अब देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जो लोकसभा का एक इंडिकेटर लोकसभा का था चुनाव, बैठ जाइए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, मंच पर मौजूद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, पार्टी के सचेतक श्री संजय गांधी जी और कोषाध्यक्ष श्री लहन साहब जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे जदयू परिवार का कि जिन्होंने हमें मौका दिया फिर से घर वापसी का, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पार्टी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। मुख्यमंत्री जी के पॉलिसी में न्याय के साथ विकास में मेरी शुरू से ही आस्था रही है, और हम काफी इंस्पायर ही होते रहे हैं कि ऐसा विकास पुरुष जिसने बिहार को यहां पर लाके खड़ा कर दिया, उनके हाथों को हम और मजबूत करें कि वो बिहार को और आगे लेकर के जाएं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे प्रणब पांडे जी हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था को लेकर के। वैसे भी वो पुराने समता पार्टी के टाइम से 94 से पार्टी में रहे, फिर बाद में अपने काम रोजगार में लग गए, अब वो फ्री है, आकर के बोले कि मैं पार्टी का काम पूरा करना चाहता हूँ। कितना मजबूती मिलेगा? बहुत मजबूती मिलेगा, खास करके मगध क्षेत्र में मजबूत ये है। और ईशान किशन के पिताजी ईशान किशन एक बड़े क्रिकेटर हैं बिहार से, इंडिया के लिए खेलते हैं, निश्चित रूप से उनके आने से, और पुराने साथी रहे हैं पार्टी। सर एक सवाल है, सर तेजस्वी यादव लगातार बिहार को लेकर के कह रहे हैं कि अगर दंगा फसाद यहाँ होता है तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी का बिहार का, 19 साल में एक दिन भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा, ये साधारण बात नहीं है। और दंगा फसाद बिहार में नीतीश कुमार का रहते कभी नहीं हो सकता है। एक उनको जवाब देना चाहिए कि जो दंगा फसाद करने वाले लोग थे जिनका वोट लेते हैं, 89 में भागलपुर दंगा हुआ, उनके दंगाइयों को क्यों सम्मानित करते रहे, क्यों सजा नहीं दिलवा पाए, क्यों उनको इंतजार करना पड़ा जब नीतीश कुमार की सरकार आई उसके बाद ही उन लोगों को सजा मिली, या जो लोग विक्टिम थे उनको मुआवजा मिला। हमारी बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल बड़ी बैठक, एनडीए की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पे है, जो एनडीए के सारे लोग खास करके भाजपा जदयू के जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश से, और 2025 की तैयारी को लेकर के ही बैठक। चार सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, सारा सीट हम लोग जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, विशेषल लिए है, सारा सीट हम लोग जीत रहे हैं, जो लोकसभा का मोमेंटम है वो बरकरार है। वो लोग